बताओ कैसे रिझाए ये भी बताओ, छोड़ गए क्यों खता बताओ कैसे रिझाए ये भी बताओ, कैसे रिझाए ये भी बताओ। बिनती सुन लो हे त्रिपुरारी, बिनती सुन लो हे त्रिपुरारी, बापू अब तो आ भी जाओ, बापू अब तो आ भी जाओ। तरस गई है अखिया हमारी, तरस गई है अखिया हमारी, गुरुवर अब तो आ भी जाओ, गुरुवर अब तो आ भी जाओ। पता है हम आपके दर्शन के काबिल नहीं हैं, हम अपनी ओर देखते हैं तो हमारा दामन अवगुणों से भरा है बापू, पर आपकी कृपा की ओर देखते हैं तो हमें बल मिलता है बापू। काबिल तो नहीं पर शोक तो है दीदार तेरे का है गुरु, आस पे जीवन की मैं बाजी लगाए बैठा हूँ। आपके एक दर्शन के लिए बापू हमने अपने जीवन की बाजी लगाई है, सब कुछ छोड़ दिया बापू आपके लिए, हम आपको दे ऐसा क्या है बापू, मान जाओ बापू आ जाओ। चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान। सुनी अखिया सुना सुनी अखिया सुना
आश्रम सुना है संसार, विरह में तेरी तड़प रहे हम, याद आए तेरा प्यार, याद आए तेरा प्यार। चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान, चले आओ मेरे भगवान। सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह निराकार रूप में भी है, किंतु भक्त का हृदय कैसे माने बिना उनके दर्शन के। है तो वो सब कुछ, सब जगह, सब रूपों, सब नाम रूप, सारा जगत उन्हीं का विलास है, फिर भी भक्त जिस रूप का ध्यान करता है, जिस रूप को इष्ट मानता है, जिस रूप की पूजा अर्चना करता है, वो सगुण साकार रूप उनके आगे जब तक प्रकट नहीं होता, उस सगुण साकार रूप में दिखने वाले भगवान नित्य जब भक्त को सानिध्य नहीं देते तो भक्त तड़प उठता है। ऐसे सद्गुरु भगवान का सानिध्य जब शिष्य को नहीं मिलता तब शिष्य का मन भी तड़पने लगता है, विरह की अग्नि जलाने लगती है, वो विरह वेदना वो भक्ति बन जाती है। सद्गुरुदेव भक्त के हृदय में, शिष्य के हृदय में प्रेम रूप में, भक्ति रूप में, ज्ञान रूप में, श्रद्धा रूप में प्रकट होते हैं, और ये तब प्रकट होता है जब सगुण साकार की लीला हम सबके बीच होती है। हमारे मन में भी भक्ति जगी, ज्ञान प्रकट हुआ, कैसे? जब बापू साक्षात व्यासपीठ पर सत्संग प्रदान किए, सबको अपने अमृत वचनों के द्वारा संस्कार दिए, सबके मन को संस्कारित किए, तभी तो हम सबके हृदय में ज्ञान और भक्ति का विकास हुआ। तो हमें तो उनके सगुण रूप से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। निर्गुण तत्व तो सदा सर्वत्र है, फिर भी मन में काम है, लोभ है, विकार है, वो दूर नहीं होते जब तक सगुण रूप आकर भक्ति नहीं दे जाते, तब तक इन विकारों और मोह माया से भी भक्त छूट नहीं पाता है। इसलिए सगुण साकार की बड़ी महिमा, इसलिए हम बापू से प्रार्थना करते हैं कि बापू आप हमें अपने सानिध्य से वंचित न करें, आपके करोड़ों करोड़ों साधक भक्त शिष्यगण हैं, बापू आप क्यों ऐसे चले गए हैं, हम सबके बीच क्यों नहीं आ जाते, आप समर्थ हैं देव, हम सबकी रक्षा, हम सबका पालन पोषण, हम सबके तारण आप ही हैं, हम आपके आश्रित हैं, हम आपकी शरण हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं चले आए हम सबके बीच, पुनः चले आए बापू।